Welcome to another video of the Advanced Fighting Strategies. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रेटजी की जिसको बोलते हैं बेटिंग. When I used to spar a lot, I used to use this. It was one of my favorite strategies. बेटिंग में क्या होता है, आप चारा डालते हो. बेट मतलब चारा, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाते हैं ना, तो आप कुछ चारा डालते हो जिसमें वो फंसता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बॉक्सर्स ये करते हैं, वो अपना फेस आगे रखते हैं. अब मैं अपना फेस अगर आगे कर रहा हूं तो उसको लग रहा है कि दैट टारगेट इज अवेलेबल, एंड द मोमेंट ही ट्राइज टू हिट मी आई विल मूव बैक एंड काउंटर, और इवन बिफोर ही हिट्स मी आई विल हिट हिम फर्स्ट बिकॉज आई कैन प्रेडिक्ट. इस चारे की वजह से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं वो क्या करने वाला है. पॉइंट है प्रेडिक्शन का, इस बात को समझो. जो आप चारा डाल रहे हो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको पता है वो क्या करने वाला है. समझ रहे हो, अगर आपको पता है आपका अपोनेंट क्या करने वाला है तो जीतना आसान हो जाता है. और भी तरीके हैं. अब कई बार ग्रैपलर्स क्या करते हैं, ग्रैपलर्स वेट करते हैं कि सामने वाला अग्रेसिव होके अटैक करे, तब वो टेक डाउन लेंगे. तो एज अ ग्रैपलर व्हाट आई कुड डू इज आई कुड डू लो किक्स एंड आई कुड कीप मूविंग अराउंड. लो किक्स, कीप मूविंग अराउंड. द मोमेंट ही गेट्स इरिटेटेड एंड ही एंटर्स विद हिज पंचेस, दैट्स व्हेन आई टेक हिम डाउन. और भी एग्जांपल्स हैं इसके. फॉर एग्जांपल, हम फाइट कर रहे हैं, मैंने जैब क्रॉस मारा और स्टेप बैक लिया. अब इसमें काफी बार टेंडेंसी क्या होगी, मेरे स्टेप बैक लेने के बाद वो स्टेप फॉरवर्ड करेगा. इन दैट स्टेपिंग फॉरवर्ड आई कुड थ्रो अ क्रॉस, आई कुड थ्रो अ केक एटसेट्रा. सो ये चीज मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक इसकी आउटलाइन दी है. इस स्ट्रैटेजी को अगर आप स्टडी करने बैठो आप बहुत डीप जा सकते हो इसमें. तो इसके बारे में सोचो, सिर्फ एक वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा. खुद सोचो कि मैं किस किस तरह के चारे दे सकता हूं, किस किस तरह के ट्रैप सेट कर सकता हूं, अपनी गेम के हिसाब से, जो आपका फाइटिंग स्टाइल है, जो चीजें आपको करना पसंद है, उसके हिसाब से सोचो आप कैसे कैसे ये ट्रैप्स सेट कर सकते हो. सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड बेटिंग.